हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पंकज बोथरा है। स्वागत है आपका टेक्निकल पंकज यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप लोग गूगल एडसेंस के साथ अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इससे आपको अगर आप लिंक नहीं करेंगे अपने गूगल एडसेंस का आपके बैंक अकाउंट से, तो आपका जो यूट्यूब से जो अर्निंग होता है या और भी कहाँ जहीं से आपका भी अर्निंग होता है, वो आपका बैंक अकाउंट में नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए जो है आपको गूगल एडसेंस के साथ अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना होता है। ओके, तो आप कब बैंक अकाउंट को लिंक करेंगे? जब भी आपका $10 के ऊपर हो जाएगा रुपया, जब आपका $10 के ऊपर रुपया हो जाता है, तो आपका जो है आप अपने बैंक अकाउंट के साथ उसका लिंक कर दीजिए। ओके, और जब आपका $100 हो जाएगा तब आप उससे विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आपका अभी तक $10 नहीं हुआ है गूगल एडसेंस पे, तो आप नहीं कर सकते, आपको वो वाला ऑप्शन नहीं देगा। लेकिन मेरा यहाँ पर $100 के अभी ऊपर हो चुका है, यहाँ पर साइट पे आप देख सकते हैं। मैं इसे आपको नहीं दिखा सकता, इसलिए मैंने इसे थोड़ा ब्लर किया हुआ है। ओके, बट मेरा जो ये है अभी $100 के ऊपर हो चुका है। तो इसलिए जो है आज मैं अपना गूगल एडसेंस को बैंक अकाउंट के साथ लिंक करूंगा, क्योंकि मुझे पैसे उठाने हैं। तो चलिए, सबसे पहले अपने आप एडसेंस पे लॉग इन हो जाइए ऐसे। ठीक है, ये वाला हो गया। आप अभी आपको क्या करना होगा, इधर आप देख सकते हैं सेटिंग्स का एक ऑप्शन आ रहा है, तो इस वाले सेटिंग वाले ऑप्शन पे आप लोग सिंपली क्लिक कर दीजिए। मैंने गूगल एडसेंस को कैसे आप वेरीफाई कर सकते हैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुआ है, आप लोग उसे भी चेक कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ओके, आप लोग उसे भी चेक कीजिए, क्योंकि आपको पहले अपना अकाउंट जो है वेरीफाई करना होता है। अगर आप अपने अकाउंट को वेरीफाई नहीं करवाते तो आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, अभी सेटिंग पे हमने क्लिक कर दिया। अभी आपको क्या करना है, इधर से इसे थोड़ा नीचे उतारिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं पेमेंट्स का एक ऑप्शन है। ओके, पेमेंट्स के ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करते हैं। पेमेंट्स के ऑप्शन में क्लिक किया तो देखिए अभी पेमेंट्स का जो ये है ओपन हो रहा है अभी। तो देखिए यहाँ पर हमें दिखा रहा है योर अर्निंग, यहाँ पर मुझे मेरा अर्निंग दिखा रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते होंगे। ठीक है, मैंने से तो ब्लर किया हुआ है क्योंकि मैं आपको नहीं दिखा सकता इसीलिए। तो ये ऊपर वाला जो रेड कलर का एक ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, ये आपका नहीं देगा, ये मेरा ऐसे ही दे रहा है, बट ये आपका नहीं देगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड का एक ऑप्शन आ रहा है। ओके, मैं इसे थोड़ा ऊपर उठाता हूँ तो आप शायद देख पाए ठीक से। देखिए यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड का एक ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। बट मैं आपको फिर से बता दूं कि आप ये जब बैंक अकाउंट के संग लिंक करते हैं, उससे पहले जो है आपको अपना अकाउंट वेरीफाई करवाना होता है। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पर आप अपने पेमेंट मेथड को ऐड कीजिए। ओके, यहाँ पर बड़ा ही आसान है, यहाँ पर आपका सिंपली वही वही नाम दीजिए जो कि आपका बैंक में नाम है। ठीक है, और यहाँ पर आपका बैंक का नाम देना होगा, यहाँ पर आपको IFSC कोड देना है, और ये वाला होता है जिसके लिए काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है, स्विफ्ट BIC कोड। ठीक है, ये जब आप कहीं बाहर से पैसे मंगाते हैं तो आपको स्विफ्ट BIC कोड देना होता है, क्योंकि काफी बैंक में क्या होता है कि स्विफ्ट कोड नहीं होता। अगर आप बैंक में भी जाके बोलते हैं कि मुझे स्विफ्ट कोड बताइए, तो बैंक वाले भी ज्यादातर तक नहीं समझ पाते। ठीक है, जो विलेज टाइप के थोड़े बैंक हैं होते हैं, मतलब विलेज के साइड पे जो सब बैंक हैं, वो सब नहीं समझ पाते कि स्विफ्ट कोड आखिर है क्या, तो बैंक वाले भी हमें नहीं बता पाते। तो ये लोगों का काफी मैंने प्रॉब्लम देखा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्विफ्ट कोड अगर आपके बैंक का नहीं है, अगर आपके आसपास किसी का भी, मतलब जो भी शाखा का आपका बैंक है, मान लीजिए आपका स्टेट बैंक का है, तो आप स्टेट बैंक आपके आसपास के गाँव का जो भी अच्छा ब्रांच है, वहाँ का भी आप स्विफ्ट कोड यूज कर सकते हैं। अगर जो है आपका स्टेट बैंक का ही नहीं है, मतलब कोई भी स्टेट बैंक का ही स्विफ्ट कोड नहीं है, तब किसी भी बैंक का यहाँ पर स्विफ्ट कोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्विफ्ट कोड यूज कीजिए, और उसके बाद यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर दीजिए, और यहाँ पर रीटाइप कीजिए अपना अकाउंट नंबर। ओके, तो मैं चलिए यहाँ पर जो है अपना नाम डालता हूँ, आप यहाँ पर इसे सारे फिल कर दीजिए, और जो IFSC कोड होता है वो आपको आपके बैंक के पासबुक पे मिल जाएगा। IFSC कोड आप वहां से दे दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर एक एक करके सब कुछ दे देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है मेरा अभी पूरा का पूरा फिलअप हो चुका है। ठीक है, मैंने यहाँ पर सब कुछ दे दिया है, तो अभी मैं इसे थोड़ा नीचे उतारता हूँ।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं, और एक बार मुझे यहाँ पर अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप और एक बार अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए। ठीक है, अभी यहाँ पर आपने ये सब दे दिया। अभी आपको क्या करना है कि देखिए, यहाँ पर सिंपली सेव के बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो बैंक है सक्सेसफुली लिंक हो चुका है हमारे एडसेंस से। यहाँ आप देख सकते हैं वायर ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, ये वाला मेरा अकाउंट नंबर है यहाँ पर। ओके, तो आपका जब ऐसा आ जाए तो आप समझ लीजिए सक्सेसफुली आपने लिंक कर दिया है अपने बैंक अकाउंट के साथ एडसेंस को। अब जो एडसेंस है आपके बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकती है। तो इस तरह जो है आप बड़ी आसानी से अपने एडसेंस को अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं और कुछ पैसे कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स फ्रेंड्स। अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इसे क्रिएट करने पे, अपने एडसेंस के साथ अपने बैंक अकाउंट को लिंक करने पे, तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको गाइड करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स।